उसको आपने पहले करने का निर्णय लिया, क्यों लिया, कैसे मन में विचार आया और क्या क्या किया आपने, कैसे पूरा कार्यक्रम किया? ऐसा है, ये तो भगवान जाने, तो भगवान की कृपा से हुआ है। 7-8 महीने हो गए मुझे यहाँ घर में, फिर ये आ गया कॉलोनी, इसको कॉलोनी बनवाया। जब कॉलोनी बन गई तो सीताराम की धुन का उगाया, और जब सीताराम की धुन का उगाया तो एक आदमी ऐसा आया और ऐसा चढ़ा और ऐसे इतनी दूर से दूसरा आदमी होता डॉक्टर साहब खत्म हो जाता, और वहाँ कीर्तन हो रही थी। हमारा वाजिद भाई बढ़िया कौड़ा मारे रहा उनके आदमी, इसके बाद वो सेफ बच गए, तो मुझे भगवान पर विश्वास हुआ। फिर इसके बाद मैंने रामायण शुरू कर दिया, और फिर रामायण सुनने के बाद फिर सोचा ये कार्य कर दूँ। ये अचानक हुआ है ना, कोई कहा है ना कोई किसी के, कौन सा कार्य करने का? ये गंगा माई की कृपा। कौन सा काम भाई? गंगा वहाँ जो इलाहाबाद में रहता तो स्नान होता नहीं, तो आज का कौन कार्यक्रम आ रहा है ये बताओ? आज रही आ रहा है आपकी। हाँ मेरी। तो कैसे क्या आपने कार्यक्रम शुरुआत की, पहले क्या करवाया, फिर अब क्या किया? पहले कीर्तन करवाया था, भजन गृह प्रवेश में, देवी जी में रामायण, फिर इसमें। तो जो मरने के बाद जो कार्यक्रम होते हैं तो पूरा वही चीजें कराई गुरु बाबा से विवाह करके पूछे और उसको क्या क्या किया, और इसके बाद जो है गया जी महीन भी जाऊंगा, मतलब अकेला सारा काम हुआ है। नहीं तो अंतिम संस्कार के बाद जो कार्यक्रम होते तो क्या क्या होते हैं, क्या क्या आपने किया अपना, कौन दाग लिया, कैसे तेरे दाग महीन लिया? दाग महीन दाग खुद लिया, दाग खुद लिया हूँ, अब खुद अकेले स्नान कर, कैसे लिए अकेले बार बनवा, घर परिवार से वो नहीं था भाई, वो 2 मेयर की होती है जिंदा वाली है और वो मेट वाली वो अलग। तो आज कितने धूमधाम से आपने ये तरही का आयोजित करवाया, कैसे लोगों को निमंत्रण दिया था, फिर कैसे आए? अब सब चिट्ठी में लिखे थे ब्राह्मण भोजन तो होता ही है, ब्राह्मण भोजन फिर परिवार और रिश्तेदार और टोला पड़ोस। तो क्या आपके मन में चिंता थी क्या कि मेरे जैसे खत्म होने के बाद क्या भाई लोग नहीं करेंगे? पर नहीं थी कुछ, ये भगवान की कृपा थी, चिंता कुछ नहीं, ये सब अचानक रूप बना है। सही बात है। और कीर्तन भी अचानक हुई। हाँ। क्या काम करते थे पहले आप? ये मार्बल घिसाई का काम करते हैं, मशीन कितने तो क्या आपको अपने भाइयों पे भरोसा नहीं था कि आपके बाद वो आपको? नहीं भरोसा था, भरोसा है, बिना भरोसा के तो होता ही नहीं, भगवान ही भरोसा। ये पहले बाहर रहता था, अब बाहर रहने के बाद जो है मतलब ये मतलब इसका मूड आ गया कि मैं गांव आऊं, तो गांव चला है, गांव चला आने के बाद जो है मतलब ये कहा कि भाई मुझे कीर्तन कराना है, कीर्तन कराया, फिर इसके बाद 15 दिन के बाद जो है रामायण कराया, और रामायण कराने के बाद फिर पता नहीं क्या है ये बोले भैया हम ये प्रोग्राम करेंगे, मखयाल इस तरह नहीं होता है, इस तरह मत कर, कहना ही ये तो भगवान की इच्छा है मुझे करना ही है। क्या प्रोग्राम करना है? मतलब यही मतलब तेरे ही का प्रोग्राम करना है कि तेरे ही करना है, तो हम कहा क्या है ये गलत बात है, इस तरह जो है नहीं होता है, तो कहें कि नहीं मतलब इसको मुझे करना है, मुझे नारायण के पास जाना है और बस हो गया। मुझे मैं अपने से थोड़ी कह रहा हूँ, मेरी आत्मा है कह रही है, मैं कर रहा हूँ बस यही कर रही हूँ। तो फिर कैसे क्या किया इन्होंने? बस हो गया, फिर इसको नहवाने गए और वहाँ से बाल वाल कटवाने के बाद जो है अपने से नहाया है अभी तक 11 दिन, आवाज से 11-12 दिन हो गए, तो रही कर रहे हैं। तो किस तरीके से रही कार्यक्रम मनाया, क्या क्या इंतजाम किया भाई? क्या यही जो मतलब जो चलता है वही प्रोग्राम है सब कुछ, मतलब मीठा उठा बढ़ रहा नहीं, बाकी और तो सब कुछ है। और निमंत्रण दिया और लोगों के रही में चलता है, पूरे गांव को निमंत्रण दिया? हाँ हाँ दिए। क्या नाम है आपका? हरिशंकर। कौन है आप उनके? हमारा छोटा भाई। ईबो में ठाकुर श्री हरिशंकर सिंह जी के आए थे, इनके छोटे भाई का नाम रविशंकर सिंह है, वो थोड़ा सा बहुत ही बेढब दिमाग से हैं, बेढब माने बुरे नहीं कहा जाएगा, जो चाह लेते हैं वो करते हैं और ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। उन्होंने सोचा कि हम अपना जीते जी अपने आगे अपना 13वीं का कार्यक्रम कर डालें, तो इसलिए यहाँ हम 13वीं में निमंत्रण में आए थे, और हमें लगता है कि ऐसी 13वीं ठीक होती है,
अब ये नहीं कि भूख तो बड़ी तेजी से लगी, पंडित आदमी हैं हम, और वहाँ गए मुँह लटका करके मन मार करके खा रहे हैं। यहाँ हंसी खुशी से सब लोगों ने प्रसाद पाया है और ठाकुर साहब को आशीर्वाद हम नहीं समझ पाए कि कौन सा देना चाहिए इनको। अब दीर्घायु का तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन भाई ये है कि स्वस्थ रहें, बस ये कहना चाहेंगे। पूरे गाँव के लोगों को निमंत्रण दिया? हाँ, पूरे गाँव के लोगों को निमंत्रण दिया। यहाँ ऐसा होता है, पूरे गांव का इस तरह से निमंत्रण होता है कि अगर जो यहां के लोग हैं जैसे बाहर रह रहे हैं तो चिट्ठा में उनका भी नाम होगा, वो रहें या ना रहें, भाई जब अगर आ गए तो उनको निमंत्रण मिल गया, आ जाते हैं। तो आप लोगों ने आश्चर्य नहीं समझा कि एक जीवित व्यक्ति अपने तिरही कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं? तो समझा, हम एक दिन इनके पास आए भी थे तो हमने इनसे पूछा, क्या आपको अपने भाइयों के ऊपर भरोसा नहीं है जो इस तरह से जीते जी आपने ये कार्यक्रम किया? कहा नहीं पंडित जी, कहा नहीं पंडित जी ऐसा नहीं है, बस हमें ये है कि भाई अपने जीते जी हम अच्छे से कर दें, और बस यही सोच करके कहा हमने कर डाला। क्या सुन नाम है आपका? राजेंद्र पांडे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।